नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसके सभी वीडियो की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको शॉर्ट में बोल सकते हो आप MOS, लेवरेजेस मल्टीपल प्रोसेसर्स CPUs। जो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, मल्टीपल प्रोसेसर्स का, मल्टीपल प्रोसेसर मतलब CPUs का, बहुत सारे CPUs सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है जो हमारी, उनका लेवरेज करता है, उनका फायदा उठाता है विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस प्रदर्शन है सिस्टम की उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। Here's how it works। तो हमारा देखते हैं किस प्रकार से वर्क करता है, कंसेप्ट देखते हैं। अनलाइक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स, इन MPOS मल्टीप्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डिस्ट्रीब्यूट टास्क प्रोसेसेस अमंग मल्टीपल CPUs कंकरेंटली। ठीक है, तो जो हमारे सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स होते हैं जिनमें एक ही प्रोसेसर होता है, एक ही CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, उसके विपरीत जो हमारा मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, बांट सकता है टास्क को, जिसको हम प्रोसेस भी बोलते हैं, प्रोसेस को बांट सकता है मल्टीपल CPUs में, मल्टीपल जो हमारे बहुत सारे CPUs है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है या फिर प्रोसेसर्स है, उनको कंकरेंटली समांतर रूप से, ठीक है, साथ साथ क्या कर सकता है, बांट सकता है मल्टीपल CPUs में। ठीक है, दिस अलाउज फॉर द ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग पोटेंशियली लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस गेन्स कंपेयर टू मल्टीटास्किंग ऑन अ सिंगल CPU। तो अगर बात करें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसके बारे में बात कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग में हमारा क्या था, सिंगल CPU का इस्तेमाल कर रहे थे हम, तो यहाँ पर मल्टीपल CPUs का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे क्या होगी, पैरेलल प्रोसेसिंग होगी, मतलब जो हमारे टास्क है वो पैरेलल में काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। ठीक है, साथ साथ काम करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा महत्वपूर्ण जो परफॉर्मेंस गेन है, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी हमारी कंपेयर टू मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपेरिजन में, तुलना में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। क्लियर बात, यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हो वर्किंग ऑफ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का, जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारे CPUs हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो मल्टीपल हमारे दो CPUs यहाँ पर यूज कर रखे हैं हमने, मेन मेमोरी एक का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट यूनिट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा हमारा ये कंसेप्ट। ठीक है, इमेजिन यू आर एडिटिंग अ हाई डेफिनेशन वीडियो ऑन अ वर्क स्टेशन विद द मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इमेजिन कल्पना कीजिए कि आप एक हाई डेफिनेशन की वीडियो को क्या कर रहे हो, एक कार्यस्थल पर अपने मल्टी प्रोसेसर की मदद से क्या कर रहे हो, आप उसको एडिट कर रहे हो। ठीक है, हेयर्स हाउ द मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलाइज मल्टीपल CPUs। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे मल्टी प्रोसेसर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस्तेमाल करेगा हमारे मल्टीपल CPUs का, मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स का। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वीडियो रेंडरिंग। ठीक है, वंस CPU मे बी डेडिकेटेड टू रेंडरिंग द वीडियो टाइमलाइन, अप्लाइंग इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, कलर ग्रेडिंग टू द फुटेज। तो एक CPU को हमने क्या कर दिया, डेडिकेट कर दिया किसके लिए, रेंडरिंग प्रोसेस के लिए सिर्फ। रेंडरिंग मतलब हमारी फाइनल वीडियो को तैयार करना, आउटपुट लेके आना, उस काम के लिए हमने क्या कर दिया, एक CPU को समर्पित कर दिया पूरी तरह से, वीडियो टाइमलाइन के लिए, जो वीडियो टाइमलाइन उसको रेंडर करना, इफेक्ट्स को अप्लाई करना, ट्रांजिशंस के लिए, कलर ग्रेडिंग के लिए, फुटेज के लिए, एक CPU हमने इसको दे दिया। ऑडियो प्रोसेसिंग, Another CPU could be responsible for processing audio tracks, apply filters, mixing sound effects, synchronizing audio with video। ठीक है, इन सब चीजों के लिए हमारा क्या कर दिया, एक CPU को हमने assign कर दिया audio processing के लिए। Clear है बात। Next देखिए, अगर हम encoding and compression, additional CPUs are utilized for the encoding the edited video into different formats and compressing the footage to reduce the file size, exporting the final project। तो फाइल को साइज को कम करने के लिए और वीडियो को डिफरेंट फॉर्मेट्स में हमारा लाने के लिए, आउटपुट लाने के लिए क्या कर दिया हमने, जो एडिशनल जो और भी हमारे CPU सिस्टम का इस्तेमाल किया। ठीक है, क्लियर है बात। तो मान लीजिए एक CPU हमने इस्तेमाल कर लिया, फिर दो CPU इस्तेमाल कर लिए। बैकग्राउंड टास्क, व्हाइल एडिटिंग द वीडियो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एलोकेट CPU रिसोर्सेज टू हैंडल बैकग्राउंड टास्क सच एज फाइल मैनेजमेंट, सिस्टम बैकअप्स, रनिंग एंटीवायरस स्कैन्स। ठीक है, तो जब हमारी वीडियो एडिट हो रही है, एडिटिंग की प्रोसेस चल रही है, उस समय पर जो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर सकता है, एक CPU को एलोकेट कर सकता है संसाधनों के लिए, हैंडल करने के लिए जो क्या क्या हमारे बैकग्राउंड में जो टास्क परफॉर्म हो रहा है, जिस फाइल मैनेजमेंट हो रहा है, सिस्टम बैकअप हो रहा है, फिर वो एंटीवायरस रन स्कैन हो रहा है, उसके लिए क्या कर सकता है, CPU का साइन कर देता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है बात।
अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, जो प्रदर्शन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का वो बढ़ जाएगा। बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क अक्रॉस मल्टीपल सीपीयूज, बहुत सारे सीपीयूज में हमारे टास्क को, जो हमारा कार्य है उसको बांट करके मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो क्या कर सकता है, सिग्निफिकेंटली हमारा जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, प्रोग्राम की जो रनिंग है उसको बढ़ा सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, तेज कर सकता है, ठीक है। स्पेशली फॉर टास्क दैट कैन बी पैरेललाइज्ड इफेक्टिवली, स्पेशली उन टास्क के लिए, विशेष तौर पर उन टास्क के लिए, उन कार्यों के लिए जो हमारे क्या कर सकते हैं, पैरेलली रन कर सकते हैं इफेक्टिवली, ठीक है, प्रभावित रूप से। इंक्रीज स्केलेबिलिटी, तो जो हमारा एडवांटेज दूसरा वो क्या है, मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का स्केलेबिलिटी है हमारा। एज यू एड मोर सीपीयू टू द सिस्टम, जैसे जैसे हम ज्यादा सीपीयू एड करते जाते हैं सिस्टम में, द मल्टी प्रोसेसिंग कैन पोटेंशियली इंप्रूव परफॉर्मेंस। तो हमारा मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम वो हमारी पोटेंशियली इंप्रूव कर देता, बढ़ा देता परफॉर्मेंस को, प्रदर्शन को फर्दर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्कलोड इवन मोर एफिशिएंटली। जैसे जैसे सीपीयू बढ़ेंगे तो जो हमारा टास्क का काम है उसको मल्टीपल सीपीयूज में डिवाइड कर दिया, वर्कलोड को डिवाइड कर दिया, जिससे क्या होगा हमारा एफिशिएंटली कुशल तरीके से हमारा जो कार्य है परफॉर्म होगा, ठीक है, कार्य होगा हमारा, जिससे स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी। बेटर रिस्पॉन्सिवनेस, यूजर्स माइट एक्सपीरियंस अ मोर रिस्पॉन्सिव सिस्टम एज मल्टीपल सीपीयूज कैन हैंडल टास्क कंकरेंटली रिड्यूसिंग द परसीव्ड वेट टाइम, ठीक है। तो जो हमारा रिस्पॉन्सिवनेस है, जो प्रतिक्रिया है हमारी, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग जो मल्टीप्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत सारे प्रोसेसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीपीयू का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिव है हमारा सिस्टम वो ज्यादा हो जाएगा, उसकी प्रतिक्रिया क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया का टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीपल सीपीयूज कैन हैंडल, जो मल्टीपल सीपीयूज है वो हैंडल कर सकते हैं बहुत सारे टास्क को, संभाल सकते हैं कंक्रीटली, कंक्रीटली मतलब समांतर रूप से साथ साथ संभाल सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा जो परसीव्ड वेट टाइम है, वेट टाइम घट जाए, किसी भी टास्क को अगर वेट करना पड़ता था पहले, लेकिन आप मल्टीप्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो वेट टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इंक्रीज्ड हार्डवेयर कॉस्ट, तो सिस्टम्स विद द मल्टीपल प्रोसेसर टेंड टू मोर एक्सपेंसिव देन द सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। अगर हम बात करें सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की, एक सीपीयू यूज कर रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल सीपीयू यूज कर रहे हैं, तो इसका जो कॉस्ट है, जो उसकी लागत है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर दैट कैन टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर इफेक्टिवली कैन बी मोर चैलेंजिंग कंपेयर टू द प्रोग्रामिंग फॉर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। तो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की तुलना में, सिंगल सीपीयू की तुलना में, मल्टीपल सीपीयू जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ेगा, जो उसका एडवांटेज उठा सके मल्टीपल प्रोसेसर का इफेक्टिवली कुशल रूप से, हमारा प्रभावी रूप से, ठीक है। ये हमारे लिए क्या रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा, चुनौतीपूर्ण रहेगा हमारा, ठीक, ये टास्क। लिमिटेड बेनिफिट्स फॉर नॉन पैरेललाइज्ड टास्क, जो टास्क हमारे पैरेललाइजेबल नहीं है, जो एक साथ नहीं हो सकते हैं, उसके लिए क्या है, लिमिटेड सीमित उसकी बेनिफिट से फायदे हैं, सीमित तौर पर फायदे हैं उसके, ठीक है। नॉट ऑल प्रोग्राम्स बेनिफिट इक्वली फ्रॉम द मल्टी प्रोसेसर, सारे के सारे जो प्रोग्राम्स है, जो टास्क है हमारे, सारे के सारे बेनिफिट नहीं होते, सभी को फायदा नहीं मिलता इक्वली समान तौर पर मल्टीपल प्रोसेसर से। टास्क दैट कैन नॉट बी एफिशिएंटली ब्रोकन डाउन इनटू इंडिपेंडेंट टास्क, जो टास्क इंडिपेंडेंटली आत्मनिर्भर तौर पर हमारे, जिनको टुकड़ों में, हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता इंडिपेंडेंट रूप से, सब टास्क में छोटे टुकड़ों में, माइट सी द मिनिमल परफॉर्मेंस गेन्स ऑन, तो वो क्या, उनमें क्या देखा जाएगा आपको, मिनिमल, कम से कम परफॉर्मेंस उनकी प्रदर्शन रहेगा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये क्या, एक लिमिटेड इसका डिसएडवांटेज है, क्लियर है बात। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर कुछ टाइप्स होते हैं हमारे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला टाइप देखते हैं सबसे पहले, सिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन SMP क्या, हमारे शॉर्ट फॉर्म में सिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स, मल्टीपल आइडेंटिकल प्रोसेसर्स शेयर मेमोरी एंड आर मैनेज्ड बाय वन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर जो मल्टीपल जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, एक मेमोरी को शेयर करते हैं, साझा करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आर मैनेज टू वन ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, उनको मैनेज किया जाता है, ठीक है। इन SMP सिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स ऑल प्रोसेसर्स हैव इक्वल एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेज, सभी के सभी जो प्रोसेसर्स होते हैं उनको क्या होता है, इक्वल एक्सेस होता है, इक्वली वो क्या करते हैं, पहुंच प्राप्त होती है सभी रिसोर्सेज पर, सभी संसाधन पर, ठीक है। एंड टास्क कैन बी असाइन टू एनी प्रोसेसर, जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वो किसी भी प्रोसेसर को असाइन किया जा सकते हैं, किसी प्रोसेसर को दिए जा सकते हैं। दिस आर्किटेक्चर एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड इवनली अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। तो प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, स्केलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मल्टीपल प्रोसेसर में क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है वर्कलोड को, जो भी कार्य है उसको समान रूप से इक्वली इवनली, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जितने भी हमारे सीपीयू प्रोसेसर्स हैं,
किसी प्रोसेसर को कोई भी प्रोसेस है जो हमारी P1, P2, P3 क्या है प्रोसेस को डिनोट कर रही है, प्रोसेस मतलब टास्क, कोई भी टास्क किसी भी सीपीयू को दिया जा सकता है, किसी भी प्रोसेसर को दिया जा सकता है, ठीक है। एडवांटेज की बात करें अगर सिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो फेलियर ऑफ वन प्रोसेसर डज नॉट इफेक्ट द फंक्शन ऑफ अदर प्रोसेसर, अगर एक प्रोसेसर फेल हो जाता है, काम नहीं करता है, तो दूसरे प्रोसेसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट डिवाइड्स ऑल द वर्क लोड इक्वली टू द अवेलेबल प्रोसेसर्स, जितने भी हमारे प्रोसेसर अवेलेबल है तो जितना भी हमारा टास्क है उसको इक्वली समान तौर पर क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। मेक्स यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल, संसाधन अवेलेबल है हमारा, उन सब का क्या करेगा, एफिशिएंट कुशल तरीके से हमारा इस्तेमाल करेगा, ठीक है, सिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं हमारे, तो सिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर मोर कॉम्प्लेक्स, जटिल होते हैं थोड़े, दे आर मोर कॉस्टली, इनकी जो लागत होती है ज्यादा होती है। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसर इज डिफिकल्ट, मल्टीपल प्रोसेसर के बीच में क्योंकि इक्वली हम डिवाइड करते हैं तो उनके बीच में जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन है वो क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है सिंक्रोनाइजेशन बिठाना, ठीक है, तालमेल बिठाना। अब देखते हैं एसिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो ये क्या हमारा सेकंड टाइप है हमारा, इट इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन वेयर ईच प्रोसेसर इन द सिस्टम इज असाइंड अ स्पेसिफिक टास्क और रोल। तो इसमें हमारा क्या होता है, हर एक प्रोसेसर को, हर एक सीपीयू को एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है, एक स्पेसिफिक कार्य रोल दिया जाता है, भूमिका दी जाती है, असाइन की जाती है, ठीक है, क्लियर है बात। इन एन ईएमपी एसिमेट्रिकल सिस्टम मल्टीप्रोसेसर सिस्टम हमारा वन प्रोसेसर नोन एज द मास्टर प्रोसेसर, एक प्रोसेसर हमारा क्या कहलाता है, मास्टर प्रोसेसर, जिसको हम बोलते हैं मालिक, ठीक है, मास्टर, हैंडल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क, जो क्या करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टास्क है, जो कार्य है उनको हैंडल करता है, उनको संभालता है, मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज, और जो सिस्टम के रिसोर्सेज संसाधन है उनको संभालता है, प्रबंधन करता है, उनका मैनेज करता है। वाइल द अदर प्रोसेसर्स, दूसरे प्रोसेसर्स होंगे हमारे, ठीक है, वो क्या करेंगे हमारे, नोन एज स्लेव, जिनको हम बोलेंगे स्लेव, जो क्या करेंगे गुलाम, जिनको हम बोलेंगे गुलाम, ठीक है, वो क्या होंगे, प्रोसेसर हमारे एग्जीक्यूट करेंगे एप्लीकेशंस को, टास्क असाइन टू देम बाय द मास्टर प्रोसेसर, मास्टर प्रोसेसर के द्वारा उनको टास्क असाइन किया जाएगा, टास्क दिया जाएगा, उन टास्क को परफॉर्म करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उनको बोलेंगे हम स्लेव प्रोसेसर, ठीक है। अनलाइक एसएमपी सिस्टम्स वेयर ऑल प्रोसेसर आर आइडेंटिकल एंड शेयर रिसोर्सेज, तो जो हमारा एसएमपी सिस्टम होता था, मतलब सिस्टम था जो हमारा पिछला हमने पार्ट देखा जो, ठीक है, हमने पिछला टाइप देखा जो जिसमें क्या था सिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम, उसमें क्या था हमारा, ऑल प्रोसेसर्स आर आइडेंटिकल, सभी प्रोसेसर हमारे आइडेंटिकल थे, समान थे, शेयर रिसोर्सेज, और समान रूप से हमारे रिसोर्सेज को शेयर कर रहे थे, ठीक है, साझा कर रहे थे। उसके विपरीत हमारा जो एएमपी है, जो एसिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम है, वो क्या है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसका, फिर प्रोसेसर्स में हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड रोल्स, इसमें जो हमारे प्रोसेसर्स हैं सभी के पास क्या होंगे, अलग अलग कैपेबिलिटीज होंगे, उनके अलग अलग काबिलियत होंगे, अलग अलग रोल्स होंगे उनके पास, ठीक है। एएमपी सिस्टम्स आर ऑफन यूज्ड इन द एम्बेडेड सिस्टम्स, तो जो एएमपी सिस्टम्स है एसिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, उनका इस्तेमाल एम्बेडेड सिस्टम में होता है, रियल टाइम एप्लीकेशन में होता है, वेयर टास्क हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, जहां पर जो टास्क होते हैं हमारे कार्य होते हैं उनकी डिफरेंट अलग अलग प्रायोरिटीज प्राथमिकताएं होती हैं, एंड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स जरूरतें होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हो, इसमें क्या है, सीपीयू N1 हमारा मास्टर है, ठीक है, मास्टर, और ये जो सीपीयू N2 N3 N4 ये हमारे क्या है, स्लेव्स है, ठीक है, तो एक गुलाम है एक स्लेव्स है, ठीक है, गुलाम बताएगा इनको स्लेव्स को, गुलाम नहीं सॉरी मालिक बताएगा इनको स्लेव्स को, गुलामों को क्या कार्य करना है, ठीक है, टास्क इनको साइन करेगा, ठीक, मास्टर। अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम, तो एसिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉस्ट इफेक्टिव, इसकी जो लागत होती है वो कम होती है, इजी टू डिजाइन मैनेज, इसको डिजाइन करना बनाना, इसका प्रबंधन करना मैनेज करना आसान होता है, दे आर मोर स्केलेबल, इनको बड़े पैमाने पर स्केलेबल बढ़ाया जा सकता है, बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें, देयर कैन बी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड अमंग द प्रोसेसर, तो जितने भी जो प्रोसेसर रहेंगे, जो सीपीयू रहेंगे, उनके बीच में जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग रहेगा, अनइवन रहेगा, ठीक है, एक समान नहीं रहेगा। द प्रोसेसर डू नॉट शेयर सेम मेमोरी, तो हमारा क्या है, इसमें जो एसिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक मेमोरी को शेयर नहीं करते हैं। जब हमने बात करी थी जो फर्स्ट टाइप था हमारा क्या था, सिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम, उसमें क्या करता था, एक मेमोरी को शेयर करते थे, लेकिन इसमें नहीं करते, तो इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। एंटायर सिस्टम गोज डाउन इफ वन प्रोसेसर फेल, अगर एक प्रोसेसर फेल हो जाएगा पूरा पूरा सिस्टम डाउन चला जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा जो हमारा सिस्टम वो क्या हो जाएगा, अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, उसकी प्रतिक्रिया कम हो जाएगी, डाउन चली जाएगी, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारे कहते हैं डिसएडवांटेज है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है।
तो पढ़िए और पढ़ाई अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा से प्यारा से कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।